ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका असली ग्राफ मैंने बना रखा है, आपको नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए बनाया। कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दिस हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब इसका ना तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आओ जरा चेक करते हैं इसको। तो लेट वाई इज इक्वल्स, मतलब ये जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, इसको हमने वाई के इक्वल अज्यूम कर लिया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो 27x माइनस 7, अब सेकेंड स्टेप में आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 × 4 = 12x स्क्वायर माइनस 18 × 2 = 36x प्लस 27, डेरिवेटिव निकाल लिया। चलो अब यहाँ से आप एक काम करो, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से 3, है ना, तो 3 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4x स्क्वायर माइनस 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका, ये किसका स्क्वायर है 2x का, तो ध्यान से चेक करो 2x का स्क्वायर माइनस, और लास्ट में 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में आ रहा है माइनस 2 × a × b, 2 × 4 = 12, 12x को हमने ऐसा लिख लिया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b, यानी कि 3 × a क्या है 2x और b क्या है 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब हमको इसको जीरो के इक्वल रखना है, अब 3 तो जीरो हो नहीं सकता है, तो इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, यानी कि हमने क्या किया, हमने डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रख दिया। इससे हमको क्या मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते थे, वो पॉइंट जहाँ पर आपका डेरिवेटिव जीरो हो जाता था, या तो जहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होता था, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो रखो, यही डी वाई डी एक्स है भैया, 3 जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो के इक्वल होगा, यानी कि 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे जीरो पे, तो जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो ही होता है, यानी कि आपको x का एक ही वैल्यू मिलेगा, क्या 3/2, ठीक है। अब हम जाएंगे नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में आता है ना, तो ये 3/2 हमने बनाया। अब 3/2 के लेफ्ट में, 3/2 का मतलब 1.5, थोड़ा इमेजिन करिएगा, 1.5 के लेफ्ट में हमने एक नंबर चूज़ किया जीरो, ठीक है। तो f डैश ऑफ जीरो अगर हम निकाल लें, तो आइए ज़रा चेक करते हैं, ठीक यहाँ पे करते हैं। तो f डैश ऑफ जीरो अगर हम निकालें, हमारा डेरिवेटिव क्या है, अरे यही dy by dx हमारा डेरिवेटिव, इसमें x की जगह आप क्या पुट करो, जीरो रखो, जरा जीरो x की जगह, तो x की जगह अगर जीरो रखोगे तो 2 × 0 = 0, 0 -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 × 3 = 27, ठीक। तो यहाँ पर f डैश ऑफ जीरो आपका ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि आपके डेरिवेटिव का साइन क्या है, यहाँ पॉजिटिव। अब x इज इक्वल टू 3/2 के राइट में कोई नंबर चूज करो, सपोज मैंने 2 चूज किया, यानी कि f डैश ऑफ 2 अगर हम निकाल लें, तो आ जरा निकालते हैं f डैश ऑफ 2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, हाँ भाई यहाँ पे वैल्यू रखो, 2 × 2 = क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2 = 4, 4 -3, 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 × 3 = 3, यानी कि 3 आ गया, फिर से ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि फिर से आपका f डैश ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि क्या हुआ, पॉजिटिव। तो जब आप जब आपका x इंक्रीज कर रहा था, मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, तो x इज इक्वल टू 3/2 जो कि क्रिटिकल पॉइंट होने की संभावना थी, उसके लेफ्ट में जब आपने चूज किया तब भी आपके डेरिवेटिव का साइन कैसा आया, पॉजिटिव आया। आपने राइट में चूज किया तब भी साइन कैसा है, पॉजिटिव, साइन ही नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3/2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, x इज इक्वल टू 3/2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद है आपको, इसी वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होते हैं जहां कर्व अपनी कॉनकेविटी चेंज करता है, ठीक है, कॉनकेव डाउन से वो कॉनकेव अप हो जाता है, या कॉनकेव अप से वो कॉनकेव डाउन हो जाता है। तो आइए जरा चेक करते हैं, ये रहा इसका असली ग्राफ, 1 और 2 के बीच में देखिए, यहां कहीं आपको 3/2 मिलेगा, यानी कि 1.5, और यहां पे कर्व की हालत देखिए, यहां पे कर्व की हालत, जस्ट इस पॉइंट के पहले x = 3/2 के पहले ये कॉनकेव अप था, अब ये कॉनकेव डाउन हो गया, इसने अपनी कॉनकेविटी चेंज कर ली कि नहीं कर ली, बताओ x = 3/2 पे, यानी कि x = 3/2 ही क्या होगा इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। हेंस द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है।